मिनटों में बनने वाला ये स्टफ्ड चीज़ी पिज़्ज़ा बन बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। ये बनाने में बहुत आसान है और खाने में तो बहुत बहुत टेस्टी, और सबसे अच्छी बात है हमने इसको बनाने में अवन का यूज़ भी नहीं किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। आज हम मिलकर बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्टफ्ड चीज़ी पिज़्ज़ा बन बहुत ही ईजी स्टेप्स में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले एक मज़ेदार सी स्टफिंग बनाते हैं। तो यहाँ मेरे पास है कॉर्न्स, तो ये स्वीट कॉर्न वाले हैं, फ्रोज़न वाले कॉर्न से यूज़ कर रही हूँ मैं। यहाँ पर है आधा कप प्याज बारीक कटी हुई, आधा कप पनीर जिसको कि मैंने हाथ से क्रश कर दिया है, आधा कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च या कैप्सिकम, और इसमें डालेंगे चीज़। तो मैं ये मोज़रेला पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे बहुत थोड़ा सा नमक, नमक चीज़ में भी होता है तो नमक थोड़ा ध्यान से डालें। इसमें डाल देंगे सीजनिंग, तो इटालियन सीजनिंग, आपके पास इटालियन सीजनिंग नहीं हो तो आप ऑरिगेनो डाल लें या कोई भी जो हर्ब सीजनिंग है वो डाल सकते हैं हम। इसमें डाल देंगे एक टेबलस्पून भर के पिज़्ज़ा सॉस, पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो टोमेटो केचप का भी यूज़ किया जा सकता है। इन सबको बहुत अच्छे से मिला देंगे। काफ़ी सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो पूछते हैं कि जो वो चीज़ यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा में तो मेल्ट नहीं होता है अच्छे से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मोज़रेला पिज़्ज़ा चीज़ आता है बाज़ार में वो यूज़ करें। उससे पिज़्ज़ा काफ़ी टेस्टी बनता है और बहुत अच्छे से वो पिज़्ज़ा में मेल्ट भी हो जाता है। ये देखिए स्टफिंग हमारी तैयार है, हम इसको साइड में रखेंगे और आइए इसके लिए गार्लिक बटर बनाते हैं। गार्लिक बटर बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे गार्लिक, तो 5-6 गार्लिक के क्लोव्स ले लिए मैंने और इसको हम क्रश कर देंगे। ये देखिए मैंने गार्लिक को क्रश कर दिया है। इसमें हम डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, यहाँ पर मेरे पास है सीजनिंग करीब आधा टीस्पून, और यहाँ पर मेरे पास है कटा हुआ हरा धनिया। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे मेल्टेड बटर और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, और ये फटाफट अब अपने बन तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पाव लिया है, आप पाव ले सकते हैं, आप बन ले सकते हैं गोल वाला, और हम इस तरह से इसको काटेंगे कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो जुड़ा रहे। ये देखिए तो दो कट मैं इस तरह से लगा रही हूँ और दो कट जो है वो हम इस तरह से डालेंगे इसमें। ये देखिए तो ये अच्छे से इसमें जगह हो गई है स्टफिंग भरने के लिए, और अब हम इसमें ये स्टफिंग भर देंगे इस तरह से। यहाँ पर स्टफिंग में मैंने कोई भी मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स और हरी मिर्च दोनों डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं यूज़ किया है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही थी, तो मैंने सिर्फ गार्लिक बटर में चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं थोड़े से। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से स्टफ कर लिया है, और अब हम इसको हल्का सा इस तरह से दबा देंगे जिससे कि स्टफिंग जो है वो चारों तरफ फैल जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है, और इसी तरह से मैं सारे पाव जो है तैयार कर लूँगी। इनको कुक करने के लिए आज मैं पैन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको ओवन में भी बना सकते हैं। पैन को मैंने हल्का सा गर्म किया है, इस पर बटर पेपर लगाया है और बटर पेपर को भी थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस किया है जिससे ये नीचे से भी क्रिस्प हो सकें। हम इनको इस पर रख देंगे, हम इसके ऊपर लगा देंगे ये गार्लिक बटर जो हमने पहले बनाया था। तो ये देखिए थोड़ा मेल्ट होगा तो ये अपने आप ही नीचे आ जाएगा। हम इनको कवर कर देंगे और 5-6 मिनट या फिर चीज़ के मेल्ट होने तक कुक करेंगे। इनको कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए क्या बढ़िया दिख रहे हैं, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, बिल्कुल कुक हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। स्टफ्ड पिज़्ज़ा बन बनकर बिल्कुल तैयार है, और ये देखने में जितने सुंदर दिख रहे हैं खाने में भी उतने ही मज़ेदार हैं। तो आप ट्राई करिएगा एक बार, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, घर के बेसिक सामान से बनी हुई, एंड आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो ट्राई ज़रूर करें, फीडबैक में हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।